यहाँ पर आज हम बात करेंगे शीट मेटल गसेट के बारे में। शीट मेटल गसेट कमांड काम कैसे करती है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम न्यू पेज पार्ट ओके। एक शीट आप ड्रॉ कर लीजिए, ड्रॉ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ओके, एग्जिट यहाँ से कर लीजिए, बेस फ्लैंज ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे आप एक फ्लैंज भी डाल दीजिए। यहाँ पे मैं एक फ्लैंज डाल देता हूँ और ओके कर देते हैं। ये मेरे पास एक फ्लैंज है। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ शीट मेटल गसेट। शीट मेटल गसेट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आते पोजीशंस। पोजीशंस के लिए मैं ये वाला फेस और ये वाला फेस सेलेक्ट करता हूँ, इन दोनों के बीच में मुझे चाहिए। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है ऑफसेट। आप इसको ऑफसेट कर सकते हैं, किस तरफ आपको ये चाहिए उस तरफ आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे एक प्रोफाइल है। यहाँ पे आपको प्रोफाइल में डायमेंशंस दी हुई हैं, जैसे इंडेंट डेप्थ। तो आप इंडेंट डेप्थ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको कम कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो इसके पीछे जो डेप्थ बनेगी वो आपको कितनी चाहिए वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है नेक्स्ट प्रोफाइल डायमेंशन। प्रोफाइल आप डायमेंशन भी डाल सकते हैं। यहाँ से D1, यहाँ पे आपको D1 दे रखा है, यहाँ पे D2 दे रखा है, यहाँ पे A1 दे रखा है। D1 D2 ये आप बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ये घट रहा है बढ़ रहा है। D2 में जाके आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आपको करना है आप कर लीजिए। उसके बाद आता है A1। A1 में आप क्या डालेंगे, एंगल आपका इसमें आप डाल सकते हैं, कितना एंगल आपको चाहिए देख सकते हैं आप, इसमें बढ़ रहा है। अब फ्लिप डायमेंशन साइड, आपको कैसी डायमेंशन चाहिए, फ्लैट चाहिए या थोड़ी राउंड चाहिए। उसके बाद आते हैं इंडेंट डेप्थ। ये इंडेंट विथ ये क्या है, जब आप इसको ओके करेंगे तो इसके अंदर एक स्लॉट क्रिएट हो जाएगा। तो ये इंडेंट वो है। यहाँ से मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, चाहे तो आप बढ़ा सकते हो कितना आपको चाहिए इंडेंट। फिर यहाँ से आता है इंडेंट की थिकनेस, आप कितनी रखना चाहते हैं। ये इसके पीछे से आप थिकनेस चेंज हो जाएगी। इसको मैं रख देता हूँ 2 रख देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर डाल सकते हैं साइड फेस ड्राफ्ट। आप इसको फेस को ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, ये अनचेक होता है, चेक कीजिए और यहाँ से आप ड्राफ्ट की डाल सकते हैं। मेक श्योर आप ओवर वैल्यू ना डालें, हो सकता है फिर ये क्रिएट ही ना हो। इसे मैं इसको 4 कर देता हूँ। यहाँ पर आता है इनर कॉर्नर फिलेट और आउटर कॉर्नर फिलेट। ये इनर अंदर की तरफ हो जाएगा, आउटर ये बाहर की तरफ, यहाँ पे फ्लिट क्रिएट हो जाएंगे। कितने कितने एमएम के फ्लिट है मैं यहाँ पे एक एक रहने देता हूँ। अगर आपके पास डायमेंशन है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप ओवर डायमेंशन डालोगे तो हो सकता है यहाँ पर ना भी बढ़े, अगर आप बढ़ाते चले जाएंगे हो सकता है ना भी बने। तो इसलिए आप इसको कम से कम ही रहने दीजिए और अगर आपको ठीक लगता है तो ओके कर दीजिए। तो देखिए आपका क्रिएट हो गया शीट मेटल गसेट। वो इंडेंट था ये वाला पोर्शन जो ये अंदर से क्रिएट हो रहा है, और ये इनर फिलेट, ये फिलेट आ गया यहाँ पे ठीक। तो ये था इन शीट मेटल गसेट। थैंक यू।